वर्ग 8 के चैप्टर ग्राफों से परिचय का प्रश्नावली 17 हल करने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या एक है, ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। तो यहां पहला नंबर है 7 2, दूसरा 5 6, -4 6, इस तरह से है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है तो पहला जो होता है उसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, अर्थात पहले को बोलते हैं एक्स निर्देशांक और दूसरा होता है वाई निर्देशांक। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर एक रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा, जिसे एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरा इसको प्रतिच्छेद करता हुआ एक वर्टिकल लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे वाई अक्ष कहते हैं। ये जो कटान बिंदु होता है ये मूल बिंदु यानी शून्य होता है। अब इसके ओर दाहिनी ओर हम यहां 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लेते हैं, और इधर वाई में और हाँ ये इधर बाई ओर जब जाते हैं तो ये निगेटिव होता है, -1 -2 -3। इसी तरह से वाई अक्ष में जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो ये 1 2 और इसी तरह से ये ऊपर जाएगा। फिर यहां वाई अक्ष में जब हम नीचे आते हैं तो ये -1 -2 -3। अब हम ये जो बिंदु हमें दिया गया है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 2, यानी एक्स अक्ष पर 7, तो एक्स अक्ष पर ये 7 है और वाई अक्ष पर 2, तो ये बिंदु ये होगा, ये बिंदु जो हमारा होगा ये 7 2। तो ग्राफ पेपर पर हमारा ये पहला नंबर 7 2, अब इसे कुछ नाम भी हम दे सकते हैं, ए मान लीजिए ए बिंदु, तो ये बिंदु हमने अंकित कर दिया। ठीक इसी तरह से आप बाकी जो प्रश्न है इसमें 2 3 4 5 6 इसे आप बना सकते हैं ग्राफ पेपर पर। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, यहां भी वैसे ही है, निम्न बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। फिर उसी तरह से हम एक क्षैतिज और एक लंबवत रेखा खींचते हैं, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो यहां पहला नंबर हम देखते हैं 0 5, तो हाँ सबसे पहले यहां पर हम ये पहले की तरह कर देते हैं 1 2 3 4 5 और यहां 1 2 3, यहां -1 -2 ये 1 है, -3 -4
माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ये यहां भी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो ये हमारा पहला जो है पहला बिंदु है जीरो फाइव, दूसरा है माइनस छ शून्य। चलिए इसी को हम लेते हैं दूसरा नंबर। माइनस सिक्स शून्य, तो ये माइनस सिक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा ये हो गया, और शून्य वाई कोऑर्डिनेट, तो यही वाला हो गया। तो ये वाला बिंदु ही हमारा हो जाएगा ये माइनस सिक्स शून्य। ठीक इसी तरह से बाकी अन्य जो दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर अंकित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या तीन, ग्राफ पेपर पर बिंदुओं चार सात एवं सात चार को अंकित कीजिए। क्या ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को दर्शाते हैं? तो पहले की तरह यहां भी हम ग्राफ पेपर पर एक क्षैतिज और एक लंबवत रेखा खींचते हैं। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। ये जो कटान बिंदु है ये शून्य हो गया, ये एक हो गया, ये दो, तीन, चार, पांच, छः, आठ। ठीक इसी तरह से और इस तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। इधर निगेटिव हम इधर कर लेंगे और इधर नीचे साइड में ये इसका भी निगेटिव हो जाएगा वाई का। तो इसे आप स्वयं करेंगे। देखिए बिंदु चार सात, तो एक्स निर्देशांक है चार और वाई है सात, तो ये कौन सा बिंदु होगा? ये चार सात, ये बिंदु हो गया। और इसके बाद सात चार, तो यहां x निर्देशांक है सात और y चार, ये सात और ये चार, ये हो गया सात चार, और ये है चार सात, और इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या ये बिंदु एक ही बिंदु को दर्शाते हैं? क्या आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये दोनों बिंदु अलग हैं? अतः ये एक बिंदु को नहीं दर्शाते
है, इससे आप स्वयं लिख लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को दर्शाते हैं? नहीं, आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये दोनों बिंदु अलग हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं, ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को नहीं दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या चार है, ग्राफ पेपर पर बिंदुओं ए 2, 4, थोड़ा सा मैं ग्राफ को बड़ा कर दे रहा हूं यहां पर, हाँ ये है, ग्राफ पेपर पर बिंदुओं ए 2, 4, बी 4, 2, सी 0, 6 और डी -1, 7 को अंकित कीजिए। क्या ये सभी बिंदु एक सरल रेखा में हैं? तो आप पहले की तरह एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लें ग्राफ पेपर पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और अब ये जो बिंदु दिए गए हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये मूल बिंदु 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और इधर -1, -2, -3, -4, -3 है ये, और ठीक इसी तरह से इधर लेंगे हम 1, वाई अक्ष में 2, 3, 4, 5, 6 और ये वा 7। तो पहला ए बिंदु है 2, नीचे भी ले लेते हैं, आप स्वयं से इसे कर लेंगे, पहला ए बिंदु है 2, 4, 2 और ये 4, एक्स एक्स अक्ष पर 2 और वाई में 4, ये बिंदु हमारा ए है, ए, और ये है 2, 4, बी है 4, 2, 4, 2, ये है बी 4, 2, सी है 0, 6, ये सी है 0, एक्स में 0 और ये 6, ये है, ये सी बिंदु हो गया 0, 6, डी है -1, 7, तो ये -1 एक्स अक्ष पे है और ये 7, ये यहां ये वाला है डी -1 और 7। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एक ही सरल रेखा पर हैं? तो हम देखते हैं स्केल से इसे,
देखिए बिल्कुल एक रेखा पर ये आ गया, ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर आ गए। तो इसका आंसर क्या हुआ कि हाँ, ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर हैं। प्रश्न संख्या 5, ग्राफ पेपर को देखकर बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यहां पर बिंदु दिए गए हैं ए बी सी डी ई, इसके निर्देशांक लिखना है। तो सबसे पहले हम ए बिंदु को देखते हैं, तो ठीक इसके लंबवत हम देखते हैं तो यहां 2 है, अर्थात ये एक्स एक्सिस पर 2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। यहां लिख देते हैं एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो आप इधर देख रहे हैं कि वाई अक्ष निर्देशांक क्या है, तो ये 3 है, तो ये हमारा ए हो गया 2 3। बी है, देखिए ठीक लंबवत देख रहे हैं, तो यहां एक्स कोऑर्डिनेट हमारा या एक्स निर्देशांक 5 है और इधर क्षैतिज में देख रहे हैं तो ये 2 है, तो ये बिंदु हो गया 5 2। ठीक इसी तरह से देख रहे हैं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां -3 है, -3 और इधर ये 2 है, तो ये बिंदु हो गया -3 2। डी नंबर देखिए, एक्स में -3 है, पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। सॉरी, ये पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं, तो एक्स निर्देशांक यहां पर है -4, तो ये हो गया -4 और वाई में -3 -3। और यहां ई नंबर, ई नंबर में एक्स में हम देख रहे हैं क्या है, 5, एक्स में 5 और वाई में है -4, तो ये बिंदु हो गया 5 -4। आशा है कि ग्राफ के संबंध में आपको काफी अच्छी जानकारी हो गई होगी। एक बात और बता दें कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से ये ग्राफ 4 भागों में बट गया है। ये पहला जो होता है, ये होता है पहला चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट या दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा। धन्यवाद।